ज़्यादातर हमारे टेक्नीशियन भाई जो होते हैं वो ज़्यादातर ऐसे ही, और मैं भी ऐसे ही ब्रोजा रंजन या रोजेन जो भी आप इसका नाम बोलो यही यूज़ करते हैं। और हीट गन का हेयर प्रेशर की मदद जो है हमारा, ज़्यादातर रोजेन खराबी हो जाता है या उड़ जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक फ्लेक्स रोजेन बनाया है, इंशाल्लाह इनकी रिज़ल्ट भी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी जब आप ऐसा रोजेन बनाओगे जो मैंने बनाया है। तो यहाँ पे इनका सुई का ढक भी बहुत ही काम का है, क्योंकि जब इसका सुई का ढक होता तो इसका प्रेशर नहीं जाएगा, और जब प्रेशर इनका ज़्यादा निकल जाए तो आप इनको वापस भी अंदर ले सकते हो अपने सुई में। तो और ये जो है सूखेगा भी नहीं इस सुई में, तो सुई में भी रखने का बहुत ही फ़ायदा है। और जब हम इन पे हीट मारेंगे तो भाई ये भी हीट भी आप आगे देखना, तो यहाँ पे देखो कैसे सफाई से ये जो है बोर्ड साफ़ हो रहा है। और भाई जो हमारे नए हैं ये जो उनको नहीं पता हो तो ये कैसे काम करता है, तो यार ये जो हमारे शोल्डर है जो हमारे टामे के ऊपर लगी हुई होती है तो उनको ये पिघलाता है, और हमारा जो पार्ट्स है वो इजीली रिमूव हो जाता है, और शॉर्टेज वगैरह भी नहीं होता। एक्स्ट्रा पार्ट में जो रोजिन हमारा जाता है या जो शोल्डर हमारी जाती है तो वो भी नहीं जाती, और ये एक बाल की शिकल अख्तियार कर लेती है अगर आपके पास अच्छा फ्लेक्स रोजिन है तो। अगर ज़्यादातर क्या होता है कि फ्लेक्स रोजिन जो है हमारे गांव या छोटे शहरों में नहीं मिलता तो हम ज़्यादा यही यूज़ करते हैं। तो यार ये जो है हम इजीली बना सकते हैं सिर्फ 5 रुपया खर्च करके सुई का, बाकी आपके पास हर कोई सामान पहले तो शाम में ज़रूर होगा। ये जो मैं आपको निकाल दिखा रहा हूँ ये पेस्ट है, ये नॉर्मली आपको कहीं भी मिल जाएगी, 50-60 की डब्बी है, और ये आपको रोजिन लेना है बहुत अच्छा वाला है ये आपको डब्बी मिलेगी तकरीबन 20 या 10 रुपये में, और ये 5 रुपये में आपको सुई मिलेगी। ये आपको जो है पार्ट लेना चाहिए, और ये लेने के बाद आपको इनको मिक्स करना है जैसे मैं आपको आगे फास्ट करके बताऊँ। यहाँ पे हीट गन है तो इनका आपको, ये मुंह मेरा तो यार नहीं खुल रहा, मैंने बहुत ही कोशिश की, अगर आपके हीट गन का मुंह खुले तो बहुत ही आसान काम हो गया, क्योंकि हेयर हमारी बहुत ज़्यादा निकलेगी और हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं बहुत ही कोशिश कर रहा हूँ मगर नहीं निकल रही है। तो यार चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और मेरी वीडियो देख रहे हैं उनका भी बहुत बड़ा धन्यवाद। तो यहाँ पे नॉर्मली आपको जितना ये पेस्ट जो रोजेन है, यहाँ पे इसको आप ज़्यादातर रोजेन ही बोलते हैं, यहाँ इंडिया में, पाकिस्तान में और नेपाल बांग्लादेश में रोजेन ही बोलते हैं, ब्रोजो भी बोलते हैं। तो इस ब्रोजो या रोजेन को आपको निकालना है, और इसको जो है आपको 4 गुना इनसे ज़्यादा आपको पेस्ट लगानी है। अब हमारा इतना ये हो गया रोजेन, तो इनसे 4 गुना ज़्यादा हमें ये पेस्ट लगा देनी है। और उसके बाद आपको इनको अच्छी तरह से हिलाना है, एक तरफ जो मिलाना है, और आपको हीट गन से भी मिलाना चाहिए मगर पहले आपको ऐसे मिक्स कर देना चाहिए, और ऐसी कोई चीज़ लेनी है उसके बाद आपको ऐसे हिलाना है। जब आप एयर दो, एयर फुल देर देना है और हीट थोड़ी सी कम देनी है, और हीट ज़्यादा देंगे तो हमारा जो है राजन ख़राब भी हो सकता है, जो है हमको थोड़ी सी यहाँ पर मेहनत लगेगी। यहाँ पर आपको तकरीबन 10 मिनट भी लग सकते हैं, 5-8 मिनट आपको लगेंगे। तो यहाँ पे फाइनली मैंने जो है बहुत ही ज़्यादा इसको मिला लिया है, और बहुत ही ज़्यादा हमें वो ये देखने को मिल रहा है। अब हम इनको सुई में रख लेंगे और ये जो है सुई में सूखेगा भी नहीं। उम्मीद है आप दोस्तों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो यार अच्छी लगी चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और वीडियो देखने का बहुत ही धन्यवाद।